सात या आठ, 6 7 8, तीनों में से कोई एक होगी। मम्मी पापा से पूछिए, और साथ में मम्मी पापा को बिठाना है किसी एक को, क्योंकि मम्मी भी बोर हो रही होंगी, ठीक है, तो मम्मी के साथ ये काम करना है। बड़ा बहन भाई भी हो सकता है कोई, उसके साथ भी आप बैठ सकते हो। तो चलिए लिखिए, मेरी आयु 7 वर्ष है। सात जब भी लिखना है, जब सात है आपकी, हो सकता है 8 हो या 6 हो, तो आपको वही लिखनी है। अब आया है मेरा जन्मदिन। वाह, ये तो सबसे अच्छा लगता है, सभी को अच्छा लगता है, इसका तो सभी इंतजार करते हैं पूरे साल। जब जन्मदिन पर उपहार मिलते हैं, बढ़िया बढ़िया खाने को मिलता है, सभी दोस्त आते हैं, है ना, कितनी मजेदार चीज। तो तभी तो मैं भी इंतजार करती हूँ अपने जन्मदिन का। अब आप बताइए, मेरा जन्मदिन को मनाया जाता है किसको? जैसे मेरा जन्मदिन 2 सितंबर को मनाया जाता है, तो आपका जन्मदिन किस तारीख को मनाया जाता है, कौन से महीने में मनाया जाता है? चलिए चलिए पूछिए मम्मी से, भाई बहन जिसके साथ आप पढ़ रहे हो, हाँ वो आपको यहाँ लिखना है। चलिए लिख दिया, अगर बुक नहीं है, हम फिर से बोल रहे हैं, तो एक आपको नोटबुक कॉपी बनानी है। नोटबुक को हिंदी में कॉपी बोलते हैं उसको, ठीक है, कॉपी, तो उस पर आपको करना है। अब चलते हैं आगे, अगला पेज, पृष्ठ 10। वाह, जन्मदिन का नाम आए और केक ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो अब हम केक, अब मन हो रहा होगा ना आपका केक खाने का, मेरा भी। चलिए अब केक के बारे में बात करते हैं। जब हमारा जन्मदिन होता है तो हमारा मनपसंद केक आता है, ठीक है, मैं भी अपने जन्मदिन पर अपना मनपसंद केक मंगाती हूँ, अपने बच्चों के जन्मदिन पर भी मंगाती हूँ। तो ऐसे ही एक केक मैंने बनाया है अपने दोस्तों, मित्रों, अपने बच्चों के लिए, ठीक है। ये देखिए, आप भी एक ऐसा ही केक वाला कार्ड बनाएंगे, दिख रहा है सबको? ये देखिए, अंदर से खाली है, ये बाहर हमने केक बनाया इसमें, ठीक है, जन्मदिन मुबारक हो। अब ये केक मैंने इसलिए बनाया है कि मेरी ये एक एक्टिविटी हो जाएगी, और दूसरा अच्छा लगेगा कि हमने जन्मदिन पर कुछ केक वाला काम भी किया। तो अब इसमें यहाँ आपका प्रश्न है कि इस साल मेरे जन्मदिन के केक पर यहाँ जगह छुटी हुई है, मोमबत्तियाँ होंगी, यानी कितनी मोमबत्तियाँ होंगी। अब जैसे हमने वो पीछे अपनी आयु लिखी थी, उसी के अनुसार हमें यहाँ